आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। भारत के दो विशेष खिलाड़ियों ने दो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश को स्वर्ण सहित कई पदक दिलाए, जहां बैंकॉक में आयोजित अंग प्रत्यारोपितों को विश्व चैंपियनशिप में भारतीय दलों को गोल्ड दिलाने में माइनिंग इंजीनियर आरिफ मोहम्मद शेख सफल रहे। वही बिहार के शम्स आलम शेख को एशिया में आयोजित जागरेब पैरा स्विमिंग ओपन में तीन पदक बटोरने में सफल रहे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 26 से 30 जून तक आयोजित प्रथम वर्ल्ड पोस्ट ट्रांसपेरेंट चैंपियनशिप में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते। राजस्थान माइंस विभाग के माइनिंग इंजीनियर आरिफ मोहम्मद शेख सहित भारतीय दल ने एक स्वर्ण, दो रजत, दो कांस्य पदक जीते। युगल और टीम प्रतियोगिताओं में चार कांस्य पदक भी भारत के खाते में आए। खान सचिव आनंदी और खान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने माइनिंग इंजीनियर आरिफ मोहम्मद शेख सहित भारतीय दल के सदस्यों को शुभकामनाएं और बधाई दी। ये प्रतियोगिता अंग प्रत्यारोपित व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा बदलने और व्यक्तियों में आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। इधर पास से 7 जुलाई तक जागरेब क्रोएशिया में आयोजित जागरेब पैरा स्विमिंग ओपन 2024 में शम्स आलम शेख ने तीन पदक जीत लिए। मोहम्मद शम्स आलम शेख ने 100 मीटर में रजत, 200 मीटर व्यक्तिगत में रजत और 50 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक जीते। उन्होंने 200 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। शम्स आलम ने कहा कि वो अपनी जीत का श्रेय मुख्य कोच रीना दास, भारतीय खेल प्राधिकरण गांधीनगर को देना चाहेंगे। दरअसल ये सफलता उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने इस यात्रा में उनका साथ दिया। शम्स आलम ने कहा कि खेल जगत में उन्हें आगे बढ़ाने में भारतीय पैरालंपिक समिति और बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। इस मौके पर अपनी पत्नी, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को याद करना वो नहीं भूले।